हे गेमर्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी गेमिंग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन आ गया है जिसका टेस्ट करने को आप बहुत बार बोल रहे थे। ये है Redmi K30 Ultra। अभी इंडिया में कब आएगा? नो आइडिया। कैसे आएगा? नो आइडिया। मे बी पोको इसको कोई अपना स्मार्टफोन बना के बेच दे, क्योंकि काफ़ी सारे Xiaomi के डिवाइसेज जो इंडिया डायरेक्टली नहीं आते वो पोको अपना रीब्रांड करके इंडिया ले आता है। मे बी Xiaomi इसको ही खुद भी ले आए। अभी मेरे पास इसकी कंफर्मेशन नहीं है, ये हमने बाहर से मंगवाया है, ग्लोबल यूनिट ये है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं जाऊँ सेटिंग्स में और माय डिवाइस में दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi K30 Ultra है ये, और यहाँ पे हमारे पास 6GB RAM वेरिएंट है जिसमें आपको 128GB स्टोरेज मिल जाती है। पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यही है कि इसमें MediaTek का Dimensity 1000+ चिपसेट मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर चिपसेट रहेगा। 6.67 इंच का ये डिस्प्ले है, ये एक एमोलेड पैनल है, पर स्टिल एमोलेड के साथ यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो अप टू 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही है इस स्मार्टफोन में। उसके अलावा जो एक चीज़ बचती है जो गेमिंग में थोड़ा सा आपको ज़रूरत रहती है वो बैटरी, तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो फटाफट से पबजी मोबाइल को लॉन्च करते हैं, पर उससे पहले टेम्परेचर रीडिंग्स ले लेते हैं। तो पीछे की साइड आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, 32 के अराउंड होवर कर रहा है, 32-33 के बीच में। आगे की साइड की बात करें तो आगे की साइड पे आप देख सकते हैं 32.5-33.3 मैक्सिमम जा रहा है। तो आपको दिखाते हैं अपना सेटअप और फिर इसका एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स की गेमिंग करेंगे, और फिर लेट्स सी कैसे इसका गेमिंग परफॉर्मेंस रहता है विद FPS एंड हीटिंग। तो ये रहा गेम, और जैसा कि आप हमारा सेटअप देख सकते हैं यहाँ पे मेन स्क्रीन पे रहेगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो हम सिस्टम से कर रहे हैं इसलिए वायर कनेक्टेड है। ऑडियो आउटपुट के लिए यहाँ पे स्पीकर ही यूज़ होगा, तो थोड़ा सा ऑडियो शायद थोड़ा लो रहे, मैं मैक्सिमम वॉल्यूम कर चुका हूँ पर फिर अप कर दिया इनफैक्ट, पर फिर भी थोड़ा ऑडियो का इशूज़ हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक आपको नहीं मिलता, तो मैं डेडिकेटेड ऑडियो कैप्चर नहीं कर सकता, ब्लूटूथ में थोड़ा सा डिले रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गेम की तो यहाँ पे आपको दिखेगा, एक सेकेंड रुके, इन्वेंट्री नहीं जाना था, सेटिंग्स में जाके मैं आपको सेटिंग्स दिखाना चाहता था। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्मूथ में, लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा और एक्सट्रीम। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 60 FPS पे रन कर सकते हो, अभी आप FPS मीटर देखें तो अराउंड 60 ही ये कॉन्स्टेंटली रन कर रहा है। बैलेंस में अल्ट्रा रहता है, तो अगर मैं अल्ट्रा पे कर दूंगा तो आपको दिखेगा कि फ्रेम 40 पे चले जाएंगे। HD में भी अल्ट्रा, HDR में भी अल्ट्रा, अल्ट्रा HD अवेलेबल नहीं रहता। तो मैक्सिमम क्वालिटी वाइज तो यहाँ पे HDR अल्ट्रा मिल जाता है पर वो 40 रहेगा, तो जो सिर्फ एक ही ऑप्शन है स्मूथ एक्सट्रीम, हम उसी में पूरे गेम को रन करेंगे और देखेंगे कि फ्रेम फ्लक्चुएशंस होती है नहीं होती और गेम यहाँ पे कैसा चलता है। तो शुरू करते हैं कुछ मैचेस अपनी टीम के साथ और लेट्स सी कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है स्मूथ एक्सट्रीम पे Dimensity 1000+ प्रोसेसर का। तो गाइज ये रहा हमारा फर्स्ट मैप Erangel, इसके बाद टेंशन मत लीजिए, Anok बूट कैंप हॉट ड्रॉप भी दिखाएंगे कि उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है Dimensity 1000 जो चिपसेट है यहाँ पे आपका Redmi K30 Ultra पे। पर आप ऊपर फ्रेम रेट्स देख सकते हैं, अभी ये तो अराउंड 60 के अराउंड होवर कर रहा है ये, तो लेट्स सी जब जंप मारेंगे तब कैसा परफॉर्म करता है, एनिमीज आएंगे तब कैसा परफॉर्म करता है, और बूट कैंप में स्पेशली कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, मैं साइड ही उतर रहा हूँ, सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम फ्लक्चुएशन तो है, जैसे ड्राइव कर रहे हैं हम अराउंड तो भी 55 के अराउंड जा रहा है बार बार, 54-52 भी जा रहे हैं, तो एकदम स्टेबल रॉक सॉलिड 60 तो नहीं है, पर ओ लैग हुआ थोड़ा सा। स्क्वाड हाउस, स्क्वाड हाउस, स्क्वाड हाउस, क्या कर रहे हैं टेकी? टेकी स्क्वाड हाउस, टेकी स्क्वाड हाउस, अरे मेरी गेम अटक गई है। कि मैं बैकअप नहीं दे पाऊंगा अभी। रुकना,
चलो लेफ्ट राइट दोनों है, दो स्क्वाड हैं जो लड़ रहे थे ना, उन्हीं का अभी भी दो मल्टीपल स्क्वाड लग रहे हैं। कि भाग जल्दी आता है यार हर जगह। टेकी भी लाइक मैं तो जा रहा, बाय बाय। टाइम पे गेम अटकी, वो पीठ पीछे से मार दिया मेरे को। इस घर में नॉक किया चेतन मैंने 215 में। हाँ साउथ ईस्ट में वो किल ले लेगा मेरी। शे बग्गी देखो बग्गी पता नहीं सारे यही आ रहे। फ्रेम रेट मेरे 50 पे जा रहे हैं। सिंगल सिंगल बग्गी लेके भाई पीएमसी से भी बड़ा लेवल है जा रहे। एक और नॉक खत्म। एक घर के पीछे थे एक और नॉक एक रिवाइव हो गया दूसरा भी रिवाइव हो ही जाएगा फिर। मैं काम कर रहा हूं मैं रिज पकड़ता हूं। अरे एक बंदा रिच पे ही है। क्यों नहीं ले रहा इसको? एक सेकंड रुको, एक बंदा रिच पे है, वो जा रहा है। दो डेड हो गए इनके। बढ़िया। टू बी टू है। ये ऑटो पे कर दिया तुमको। घबरा गया ना वो। हो जाएगा टू बी टू है। रेड मार्कर। एक नॉक करना अपने को बस टेंशन नहीं। एक सेकंड में हिल कर रहा हूँ अच्छे। मैं नेट डाल रहा हूँ घर में वेट। एक ही बचा है। अगले। इनके वाला है आराम से। ऑल रेड। नाइस। तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड क्लिप पे कि भैया सेनॉक बूट कैंप दिखाओ कैसे चलते हैं डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम बूट कैंप हॉट ड्रॉप करने वाले हैं सेनॉक में और लेट्स सी कैसा रहेगा परफॉर्मेंस, फ्रेम्स कैसे रहते हैं। एरेंगल अगर आपने देखा हो पूरा तो पिछले आपने देखा होगा कि 50-60 FPS रह रहा था मोस्टली। एक दो बार 50 से नीचे जाते हुए दिखा मुझे पर मोस्टली 55-60 आ जाता था वापस फटाक से। तो ज़्यादा कुछ इश्यूज़ आए नहीं और 60 के अराउंड होवर कर रहा था फ्रेम रेट। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या रहता है। ये ले, एक ये ले। यही पे उतरते हुए दिखा था पहले शूट। एक ऑलरेडी नाइस।
देता हूँ। एक सेकंड ऊपर है, एक सेकंड मैं टैकी को रिवाइव दे रहा हूँ स्मोक में, एक मिनट रुको। 3, 2, 1 रिवाइव हो गया टैकी। ये रहा स्मोक के अंदर, रूम में आपके साथ है नंबर वन। हाँ अरे नंबर वन टेकी है, मेरे को याद ही नहीं है कौन है। टेकी रिवाइव अब लेट हो गया वैसे, पर ठीक है। अरे मैप की आदत नहीं है ये वाली सनाक के, इतना लंबा बूट कैंप में उतर के हम बंद कर देते हैं। नहीं पता ना ये घर में हाँ। कैसे क्या है, एक सीढ़ी पे अटक जाओ तो भी दिक्कत है नीचे। बढ़िया, अरे आम वाला एक बंदा है, निकल जाता है। ठीक है हमें जाना है जोन में, जाना है टेकी। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली एक घंटे से ऊपर हो गया, 61 मिनट्स हो गए हैं, क्योंकि सनॉक में भी पूरा मैप हमने खेल लिया और इरेंगल में भी पूरा मैप खेला है। तो यहाँ पे अगर हम फटाफट टेम्परेचर रीडिंग्स लेना चाहें पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 41.2 टच कर रहा है आगे, 41.5 नॉट बैड, मतलब ज़्यादा नहीं है, एक घंटे की गेमिंग के बाद 41-42 के अराउंड ही है। पीछे की साइड चलें तो पीछे की साइड भी आप देख सकते हैं, पीछे कंपैरेटिवली ठंडा पड़ा है डिवाइस, 37-38 डिग्रीज के अराउंड है। थोड़ा पीछे नीचे की साइड भी देख लेते हैं। तो ओवरऑल Redmi K30 Ultra कैसा है गेमिंग के लिए, तो ये जैसा आपने इसमें देखा, हमने यहाँ पे दो मैप्स खेले और यहाँ पे अराउंड 55-60 FPS मोस्टली मेंटेन कर पाता है। तो 60 FPS गेमिंग आप इस पर एंजॉय डेफिनेटली कर सकते हैं, पर हमें ओकेजनल फ्रेम ड्रॉप्स दिखे जब भी 55 तक डिप कर रहा था और काफ़ी बार 50-55 के बीच भी जा रहा था, तो यानी कि 8-10 फ्रेम्स का यहाँ पे ड्रॉप हमें दिख रहा था। जब बूट कैंप या इरेंगल में हॉट ड्रॉप्स मार रहे थे हम, तो वहाँ पे ये 50 से नीचे भी जाता है, दो फटाक से ऊपर वापस आ जाता है ये 58-59-60 के अराउंड। इसकी परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा कि स्नैपड्रैगन की 800 सीरीज से थोड़ा सा नीचे है, पर स्नैपड्रैगन 700 सीरीज से थोड़ी सी बेटर यहाँ पे अभी तक मुझे लगी। हीटिंग इश्यूज इसमें एज सच मुझे देखने को मिले नहीं। आप बताइए आपको इस पर और कौन सा गेमिंग टेस्ट देखना है। पबजी मोबाइल अगर आप इसको स्मूथ एक्सट्रीम में खेलना चाहते हो वो इस पर डेफिनेटली आप खेल सकते हैं। दो मैं सोच रहा था शायद 90 FPS मिलेगा क्योंकि 120Hz का डिस्प्ले है, पर वैसा यहाँ पे मेरे को कुछ देखने को मिला नहीं। और हमें पबजी मोबाइल में जो कि कोरियन वर्जन है यहाँ पे 60 FPS दिख रहा था, जहाँ पे आपको 55-60 मोस्टली मिलते हैं विद ओकेजनल 50-55 एंड रियली 50 से नीचे भी जाते हुए दिख जाता है, पर स्टिल काफ़ी अच्छे आप इस पर गेम्स खेल पाएंगे। प्राइसिंग इंडिया में क्या रहती है उसका मुझे आइडिया नहीं, ग्लोबल प्राइसिंग आपको पता ही है, उस हिसाब से शायद बेटर डिवाइसेस परफॉर्मेंस के मामले में आपको मार्केट में मिल जाएंगे अगर ये थोड़ा महंगा इंडिया में आता है तो। लेट्स सी कभी इंडिया में आएगा, कितने प्राइस पे आएगा। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड रिमेंबर गेमिंग इज नॉट अ क्राइम।